हिमाचल प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रविवार को प्रदेश भर में आयोजित की गई ग्राम सभा की बैठकों को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी के तहत ऊना जिला की ग्राम पंचायत टब्बा में आयोजित ग्राम सभा की बैठक के दौरान भी लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुनीश गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक मतदाता, दिव्यांग मतदाता और युवा मतदाताओं को सम्मानित कर अपने मत का प्रयोग करने के साथ साथ आमजन को भी वोट के महत्व के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया गया। हाँ, तो वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो अनेक कदम उठाए जा रहे हैं इस बार हमारे द्वारा। पहला तो ये है कि जो कम वोटिंग टर्नआउट वाले जो पोलिंग स्टेशन्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, 60% से जिनमें पिछली बार कम की वोटिंग। तो 277 ऐसे पोलिंग स्टेशन है पूरे राज्य में जिसमें ये परसेंटेज कम थी, तो उसको हमने मिशन 277 या मिशन 277 का नाम दिया है। इन पोलिंग स्टेशन्स में जो हमारे अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम थी, और वहाँ पे खुद जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे क्या महत्व है वोटिंग का, और अगर कोई लोग वहाँ पर छूट गए हैं, एडिशन डिलीशन की आवश्यकता है, तो वो भी सुचारू रूप से हो जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। दूसरा, हम लोगों ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है उत्सव के नाम से, जिसका अर्थ है यूनिवर्सल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थ्रू सिस्टमेटिक अवेयरनेस ऑफ वोटर्स। तो हम चाह रहे हैं कि यूनिवर्सल एक तो हो, यानी कोई भी वर्ग ना छूटे, चाहे वो PWD वोटर्स हैं, चाहे थर्ड जेंडर वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, तो कोई भी वर्ग उसमें छूटना नहीं चाहिए, और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए इलेक्शंस, और अवेयरनेस ऑफ वोटर्स हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कल भी जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में एक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि जो हमारे वयोवृद्ध या बुज़ुर्ग या शतायु वोटर्स हैं उनको सम्मानित किया गया था, और उनके ज़रिए एक मैसेज दिया जा रहा है बाकी प्रदेश के सभी वोटर्स को कि जब इतने वयोवृद्ध वोटर्स जो हमारे सदस्य हैं समाज के, वो अगर आके वोट डाल सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं डाल सकते। तो कुछ शतायु वोटर्स के घर भी हम लोग जा रहे हैं, सभी के घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जाके उनको सम्मानित कर रहे हैं। उसके अलावा आज ये ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कि जो वोटर लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल को एक बार दोबारा देखा जा रहा है कि उसमें अगर कोई एडिशन डिलीशन की आवश्यकता है तो वो भी कर ली जाए, और साथ ही उनको जागरूक भी किया जाए लोगों को कि वो अधिक से अधिक वोटिंग करें। तो हमारा ज़्यादा प्रयास है कि हम पर्सनल कॉन्टैक्ट से और लोगों के तक पहुंचकर ये मैसेज पहुंचाएं कि वोटिंग जो है उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और हिमाचल में जैसे एक अच्छा ट्रेडिशन रहा है, अच्छी वोटिंग परसेंटेज रहती है, उसको और आगे ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।